नमस्कार, मेरा नाम है अंजुमन। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज प्रभात खबर ने बैंकिंग कॉलिकियम के आयोजन किया, जिसमें यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री व्यापारी और बैंकर्स एक साथ एक मंच पे एकजुट हुए थे, जहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हुई और बैंक से रिलेटेड जो भी व्यापारियों को दिक्कतें थी उन्होंने उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। इस आयोजन के लिए आज के मुख्य अतिथि थे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर बैंकिंग कॉलेजियम कार्यक्रम में। हम आभारी हैं सुभाष पटवारी जी के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, केपीएस केसरी जी के कि वो यहाँ पधारे हैं, सत्यजीत सिंह जी के सीआईआई अध्यक्ष और जाने माने चेहरे। हम आभारी हैं बिहार लघु भारती के महामंत्री शेखर सुमन जी के, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामलाल खेतान साहब के हम आभारी हैं, बिहार होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी के प्रति हम सम्मान जाहिर करते हैं कि अपने व्यस्त समय से हमारे न्योता को उन्होंने स्वीकारा और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव चंद्र प्रकाश जी, बिहार महिला उद्यमी संघ के महासचिव साधना झा जी, बिहार राइस मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद सिंह जी के हम आभारी हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अपने प्रदेश के लिए चिंताओं में, अपने राज्य की चिंता को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और प्रभात खबर का यह प्रयास, इसके बारे में फैसला आप लोग करेंगे, हम लोग अपनी ओर से जरूर कोशिश करते हैं कि जो सूरत हाल है उसमें तब्दीली आए। एक अखबार की बहुत सीमित भूमिका भी है, लेकिन सामाजिक दायित्व के तहत हम लोगों की कोशिश रहती है। और इन्हीं लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसारिया जी के भी हम आभारी हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो हम ये कह रहे थे कि एक अखबार की भूमिका उस हिसाब से जरूर छोटी है, लग सकती है, लेकिन अखबार की वह भूमिका है। और इसी मंशा और इसी समझदारी के तहत हम लोग ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को मंच पर बुलाते हैं कि इस विषय वस्तु को लेकर वह अपने दो शब्द कहें। बिहार जैसे राज्य को पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि परसेप्शन का दोष है कि बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि पूरा देश तो बढ़ चुका, बढ़ना नहीं है, बढ़ चुका दूसरे लोग। हम यही तीन जो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, यही तीन राज्य हैं जहां आर्थिक सामाजिक क्रांति होनी बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तो कई वर्षों से कई सरकारें कर रही है, लेकिन हम उसको पूरा करने में अभी तक सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग उस दौर को भी याद है हम लोगों को, जब बिहार में सिंगल सड़कें होती थी और उस दौर से आज यहां फोर लेन तक पहुंचे हैं। और अभी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें 4 एक्सप्रेसवे हमको मिला है, जो अगले एक साल में हमको शुरू भी करना है। और क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा,
हम लाख प्रयास कर ले, हमारे पास तो सबसे अच्छा चावल है, सबसे अच्छा मक्का है, हम मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हुआ, दूध उत्पादन में हम आगे आए, लेकिन बेचने के लिए मार्केट नहीं है। अभी एक गंगा में पानी आ गया जबकि नेपाल के तराई से पानी नहीं आ रहा, जिससे डर हम लोगों को सबसे अधिक होता है। इस बार तो पूरा उत्तर प्रदेश से पानी आया, चंबल से पानी आया, हिमालय से पानी आया, और पूरा लगभग 14-15 डिस्ट्रिक्ट हमारे अभी तक डूबे हुए। क्यूल के पानी को रोक दिया जाए तो लखीसराय, शेखपुरा के जिले को और जमुई जिले को पानी दिया सकता। तो मैक्सिमम जिले हमारे जो इस इलाके में हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली के माध्यम से, आपने देखा गंगा के पानी को गया ले जाना, पानी को इंद्रपुरी बराज से औरंगाबाद सासाराम शहर ले जाना, गंगा पानी को अभी हम हलमुना डैम बांका जिला में ले जाने का काम शुरुआत कर रहे हैं, हम बख्तियारपुर मोकामा से राजगीर को पानी ले जाना, नवादा को पानी ले जाना, तो इस सारे पानी को हम बचाते क्यों नहीं? और क्योंकि हम सीधे अनयूटिलाइज्ड पानी, मतलब शुद्ध पीने वाला पानी को, हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पानी हमारे पास है, किसी के पास नहीं, हम यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। और जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी कभी सुधर ही नहीं सकती। ज्ञान ही एक रास्ता है, क्योंकि आज भी बिहारियों के पास सबसे ज्यादा ज्ञान का ही भंडार है। हम किसी भी प्रदेश में चले जाएं या देश के किसी कोने में चले जाएं, दुनिया में चले जाएं, तो या तो टॉप पे हम ही हैं, मतलब सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस या आईआईटीएन डॉक्टर भी सबसे ज्यादा इस देश में कोई प्रदेश देता है तो वो बिहार देता है, और सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहार ही देता है। मतलब टॉप भी हम ही है और बॉटम भी हम ही है। तो हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी कि हम अपने राज्य में कैसे उनको रोजगार दें, हम अपने राज्य में कैसे सारी व्यवस्था को खड़ा कर सके। मूलतः बैंक एक बड़ा सेक्टर और एमएसएमई यह दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से यदि बिहार को नहीं बढ़ाएंगे तो ये आबादी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और मैं पिछले दिनों जब बैठक बैंकर्स के साथ किया तो मैंने यह एहसास किया है, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, कि नॉट इवन 30% हमारा जो सीडी रेशियो है नेशनलाइज्ड बैंक से 30% भी हमको राशि नहीं मिल रहा है। हम ग्रामीण बैंक और नॉर्थ बिहार साउथ बिहार के बैंकों को जोड़कर हम दिखा देते हैं कि 50% से अधिक हम लोगों को लोन दे रहे हैं और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट है, मैंने कहा भी है, और अगली बैठक में जो बैंक 50% पार नहीं करेगा उसके सारे धंधे को बिहार में रोकने का काम करूंगा, कोई उपाय नहीं है। ये पैसा हमारा दूसरे को देने के लिए नहीं बैठे हैं, और अब हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, बिहार सरकार अपने व्यवस्थित कर लेगा, किसी की जरूरत नहीं है। बैंकर्स को हर हालत में बिहार के लोगों को मदद करना पड़ेगा, और बैंक नहीं मदद करेगा तो कौन मदद करेगा? हम तो 20-25% कोलेस्ट्रॉल इससे अधिक दे ही नहीं सकते, और यदि हम बड़े ही होते तो आपकी जरूरत ही नहीं थी। बैंक की जरूरत तो तभी होती है जब हम कमजोर हो, तो हम कमजोर हैं, इससे हम डिफर नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमी में मेरा रोल बहुत छोटा सा है, और आर्थिक रूप से खड़ा होने के लिए हमें बैंक्स का पूरा सपोर्ट चाहिए। यह समाज हमारा है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इंपॉर्टेंट यहां डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था वाला राज्य है,
जहां अपराधी बच नहीं सकते हैं, इसकी गारंटी है ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई यहां कोई रूप नहीं है, कोई सत्ता में रहकर भी क्राइम को अल्जाम नहीं दे सकता है। और सत्ता में बैठकर भी कोई सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। और हमारे ही लोग बिजनेस करते हैं, कोई बाहर के लोग थोड़े करते। यहीं से अनिल अग्रवाल इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, सुब्रत राय इसी बिहार के थे, कोई दूसरे के नहीं थे। तो हमारे यहां इंडस्ट्रीज भी पैदा हो रहे हैं। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है कि आप जरूर यह कोशिश कीजिए कि हम बैंक्स के माध्यम से अधिक लोगों को मदद कर सके। और यह पूरा मैकेनिज्म बनाइए अपने सभी बैंक्स में। प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देंगे कि 10 जो बड़े इंडस्ट्री के सिटी बनाने का निर्णय लिया, उसमें हम अभी बोध गया में डोबी के पास लगभग 1675 एकड़ देकर वहां एक पूरी तरह इंडस्ट्री हब बनाने का काम शुरुआत कर। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि ये तो बड़े इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर्थिक रूप से समृद्धि तभी होगा जब नीचे से जीएसटी आना शुरू होगा। जब तक नीचे स्तर पर लोग धंधा नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक समृद्धि नहीं हो सकता। हम लोग बैंकर्स, हम लोग एग्जीक्यूटर्स हैं। सरकार की नीति होती है, उसमें रिजर्व बैंक एंड जो पदाधिकारी होते हैं गवर्नमेंट में, उन लोग के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सबसे अच्छी बात जो एक उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे यहाँ डिपॉजिट है उसका 25% सिर्फ हम लोग यहाँ पर एडवांसेस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी इसी लाइन पर काम कर रहे हैं कि अगर बिहार में डिपॉजिट है, मेनली रिटेल डिपॉजिट, रिटेलर्स हमारे पास डिपॉजिट रखते हैं, तो उसका जो बेनिफिट होना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वो बिहार के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर डिपॉजिट आएगा और हम एडवांसेस अगर जाके गुजरात में करेंगे, केरल में करेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है, उसका फायदा यहाँ पर होना चाहिए। क्या कारण है कि बिहार में MSME जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है? जो GDP में, देश के GDP में या स्टेट के GDP में जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर का भी इसमें काफी बड़ा योगदान है। MSME में, MSME का जब तक ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हो, जब तक उसका ग्रोथ नहीं होगा तो ये जो हमारे माइग्रेंट हैं उसकी रोकथाम नहीं होगी। तो हमें इस विषय पर इस फोरम के माध्यम से एक गंभीर मंथन करना होगा कि इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। पंजाब नेशनल बैंक की बिहार में टोटल 707 शाखाएँ हैं और हमारा प्रयास है कि 707 शाखाओं के माध्यम से MSME सेक्टर को पूरा बढ़ावा दें। पंजाब नेशनल बैंक इस वर्ष MSME ईयर भी मना रही है, हमारा एक टारगेट भी है कि कम से कम इतने 20% का ग्रोथ MSME में हो, और उस ग्रोथ में बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, बिहार जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो कॉरपोरेट लेवल पर हम 20% को अचीव नहीं कर सकते। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको हम 100% अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। इसी के साथ थैंक यू। ये बात सही है कि बिहार में CD रेशो की बात बराबर चल रही है, एक CD रेशो रियल में बहुत कम है, सभी बैंकों का बहुत कम है, एट पार ही तरह से 30-35%। लेकिन ये भी सच है कि इसमें बैंक का कोई दोष नहीं है। बैंक आज भी हाथ में लेके पैसा घूम रहा है कि आप हम देना चाहते हैं, पर दे किसको? क्योंकि आप रिटेलर के इतना फंड नहीं जा पाएगा जितना डिपॉजिट बिहार में है। मैं समझता हूँ शायद किसी स्टेट में इतना डिपॉजिट नहीं है। 70% आपका पैसा किसी दूसरे स्टेट में जाता है वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है तो बड़ा फंड आपको कहाँ से दे पाएगी बैंक? दूसरा, बिहार में एक चीज़ मैंने देखा, मैं वैसे राजस्थान का हूँ रहने वाला, लेकिन बिहार में पूरा बिहार को एक पटना ही में ही रहना है, इसके अलावा इसका कोई शहर में इतनी डिमांड नहीं है जितना पटना में लैंड की डिमांड है, फ्लैट की डिमांड है।
जबकि अदर देन बिहार में हर एक स्टेट को देख लेना, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के कई शहर ऐसे होते हैं जिसमें हर आदमी रहना पसंद करता है। बिहार एक अकेला शहर है जो पटना के अलावा कोई शहर उसको पसंद नहीं है। आज भी एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, बहुत ही मामूली रेट पे आपको हर तरह का लोन उपलब्ध कराना चाहती है। लेकिन लोन का यूज क्या है बताइए? लोन तो इंडस्ट्री वाले को मिल, आपको मिला, आप लगाइए तो सही, उस चीज़ को आगे बढ़ाइए तो सही, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम लोग दूसरी जगह नौकरी करने जाते हैं। नौकरी में आप राजस्थान वाले भागते हैं या बिहार वाले भागते हैं, आप कहीं भी देख लेना, क्योंकि दो ही स्टेट में ज़्यादा इंडस्ट्री वाला नहीं है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि खुद आप लोग तो इस लायक है कि आप इंडस्ट्री लगाइए। आपके पास यहाँ पे एक बेड़ा की लैंड है, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते कई बार, जबकि पूरा हिंदुस्तान में बेड़ा की जो रिको है, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, 99 ईयर के लिए होती है, वही प्राइमरी सिक्योरिटी कोलेटरल वही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रतिबंध है, उसको नहीं कर सकते, दूसरा कोलेटरल दो, इस तरह की लैंड में है चीज़ें। हम क्योंकि हम फाइनेंस करते हैं तो हम बेड़ा की लैंड को साइड में रख देते हैं, कहीं पर लेते भी हैं, कुछ आपके लोगों की जब लीज करते हैं तो उसमें कुछ एनओसीज वगैरह की प्रॉब्लम आती है। हमारी बैंक 5 करोड़ तक बिना कोलेटरल के लोन देती है, आपके टर्नओवर बेस पे देती है, आपकी जो बैलेंस शीट है आपकी फाइनेंशियल है उसके आधार पे देती है, विदाउट कोलेटरल भी देती है, 25 करोड़ तक विद कोलेटरल भी देती है। दोनों में इंटरेस्ट रेट का थोड़ा डिफरेंस आप भी जानते हैं, कंपटीटिव इंटरेस्ट रेट है, बहुत ही शानदार इंटरेस्ट रेट है। आप कभी भी आइए, आपका मोस्ट वेलकम। जवाबदेही सिर्फ बैंक पर डालने से समस्या का हल नहीं होगा। अभी हमारे एक वक्ता बहुत अच्छी बात कहे कि लोग पटना में रहना चाहते हैं, अगर सड़क सिंचाई स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, सारी आवश्यकता हो, तो पूरे बिहार को पटना के रूप में लोग देखेगा और रहना पसंद करेगा। हमारा राज्य सहकारी बैंक जो है अभी सभी त्रिस्तरीय शाख संरचना में लगभग 300 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगों के, किसानों के, मजदूरों के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है। हमारा सबसे कमजोर कड़ी है समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, जब तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, हमारी महिलाएं जो देश की आधी आबादी, हमारे राज्य की आधी आबादी है, जब तक उनको आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक हम अगर ये स्वस्थ समाज की परिकल्पना करें तो बेईमानी होगी। और हम सिर्फ मुनाफे के लिए अपना बैंकिंग कार्य नहीं करते हैं, एक तरह से हमारा माना जाए इसको तो वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजना है, जिसमें 2 पैसा हमको भी मिल जाए लेकिन समाज का कल्याण हो, व्यक्ति का कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ हम अपने बैंक के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। हमने जब यहाँ शुरुआत की थी रीजनल ऑफिस की, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो हम एक बहुत छोटा सा जो डायरेक्ट फाइनेंस का मेरा बुक साइज था वो 175 करोड़ का था सिर्फ, और सिडबी का मेन काम रीफाइनेंस है, जो हम बैंक्स जो एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन देते हैं हम उनको रीफाइनेंस करते हैं, तो वो हमारा ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है, शायद 5,000 करोड़ वहाँ पर होगा। लेकिन ये 175 करोड़ का मेरा डायरेक्ट फाइनेंस का बुक्स था बिहार में, झारखंड इससे करीब डबल था, और वहाँ से शुरुआत करके एक साल में हम अभी पहुँचे हैं करीब 471 करोड़, और हम 2.6 टाइम्स हुए हैं। इसमें एक भी ट्रेडिंग नहीं है, इसमें वर्किंग कैपिटल बहुत मिनिमल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केपेक्स फंडिंग हुई है, यानी जो नया इन्वेस्टमेंट आया है जो एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमने उसमें फंडिंग की है। जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इट्स अ रेड कार्पेट इन बिहार, क्योंकि आपको पूरा इंटरेस्ट सबवेंशन है, आपको एसजीएसटी का पूरा आपको क्रेडिट है, वो वेवर है एक तरह से, इसके अलावा आपको कैपिटल सब्सिडी है जो मशीन्स के अलावा बिल्डिंग पे भी उपलब्ध है, और इसके अलावा आपको लैंड और प्लग एंड प्ले स्पेस जो है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है।
तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इंडस्ट्री इन बिहार। अगर हमारे उद्यमी अगर इसका लाभ नहीं लेते हैं तो फिर ये एक बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि आपको ही आगे आना है और तभी बैंक आपका, आप एक स्टेप चलेंगे तो ही हम चार स्टेप बढ़ के आपकी मदद करेंगे। कृषि एक क्षेत्र एक ऐसा है जो कि बिहार में उसमें फंडिंग बड़ी मुश्किल है। मैंने लगभग 20 साल महाराष्ट्र में काम किया है, वहाँ पे केसीसी का एवरेज साइज लगभग 4.5-5 लाख रुपए है, लेकिन बिहार में मुश्किल से वो 50,000 है, 50,000 भी हम लोग नहीं दे पाते। और जिस राज्य में किसान समृद्ध होगा, मजदूर समृद्ध होगा, उस राज्य के जो बॉटम में काम करने वाले लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर अपने आप बढ़ जाएगी और वहाँ पे होने वाला विकास अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर हमें सीडी रेशियो बढ़ाना है तो टोटलिटी में उसमें देखना पड़ेगा कि किस किस क्षेत्र में हम लोग फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। बैंकर्स के भी अपने चैलेंजेस हैं, उनके भी अपने कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो कि बड़ी आसानी से रिजोल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी बड़े लंबे लंबे रास्ते उनको अपनाने पड़ते हैं। लेकिन यह है कि बैंकर्स कुछ अपनी शिकायत रखते हैं और कुछ दूसरे शिकायत रहते हैं कि भाई हमें लोन नहीं मिलता है, ये तो सब चलता रहेगा। इसी बीच में यह है कि अभी मैं लगभग 2 साल से बिहार में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि बहुत चीज़ें हो रही हैं। अभी नाउ द बिहार इज़ ए हैपनिंग स्टेट। मैं महाराष्ट्र में लगभग 20 साल काम किया हूँ इससे पहले, और सैचुरेशन है चारों तरफ, लोग पैसा लेके घूम रहे हैं कहाँ लगाएं क्या बिजनेस करें, लेकिन बिहार के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। अभी यहाँ पे शुरुआत है और अगर हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे, बैंकर्स सब सबके लिए अपने अपने जो क्रेडिट देने की जो भी स्कीम्स हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर के तैयार हैं बिल्कुल। अभी जितनी वाइब्रेंसी और जितनी एक्टिविटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिकली एमएसएमई सेक्टर में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये रिसेंट पास्ट में तो मतलब अनइमेजिन्ड था और वी आर नॉट इन्वेस्टिंग कि इतना एक्टिविटी हम लोग इतने कम पीरियड में अचीव करेंगे, लेकिन सिग्नल्स आर गुड और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज हम लोग उद्योग विभाग के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर के अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर बिहार का फिगर देखें तो लगभग 35 एमएसएमई यूनिट्स हैं, नियर अबाउट 60 लाख का जॉब कैटर कर रहा है। और अगर हम लोग उद्यमी पोर्टल है एक भारत सरकार की, उस पर नज़र डालें संख्या की तरफ, तो 12.5 उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन उद्यमी पोर्टल पे हो चुका है। तो दैट्स स्पीक्स की दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इनके डेवलपमेंट के लिए अगर भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी स्कीम्स रन करती हैं, अगर प्रमुख स्कीम्स की बात करें तो PMEGP इज़ वन ऑफ देम, PM विश्वकर्मा भी हाल में लॉन्च हुई है विच इज़ अ वेरी गुड स्कीम फॉर दैट, MSECDP माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, स्फूर्ति योजना की शुरुआत की गई है, उद्यम पंजीकरण, जेट सर्टिफिकेशन, ये सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा कार्य चलाए जा रहे हैं जिनको उद्योग विभाग बिहार सरकार कार्यान्वित कर रहा है। जो संसाधन उपलब्ध है, मीना सर से हम चाहेंगे कि इसका जवाब, कि जो संसाधन बिहार में उपलब्ध है उसमें हमें कैसे भी उपलब्ध कराया जाए। हाँ ठीक है, हम आपके साथ में हैं और ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है कि पटना में नहीं आना चाहिए, भाई बहन को रहना चाहिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत इसलिए था कि पॉइंट से नहीं हो सकता। आज जगह पहले यूपी में भी था, तो वहाँ फूट पड़ने के बाद बनारस के लोग रहने लगे, इलाहाबाद में रहते हैं और लखनऊ में रहते हैं, नोएडा गाजियाबाद, लेकिन यहाँ भी नहीं थी। जिसको स्पीक करते हैं हर बैंक को अपने यहाँ एक अच्छा सा हेल्प डेस्क बनाना चाहिए और उसकी जो कमियां है उसको पूरा कराए, उसको डिस्करेज ना करें कि आप ये नहीं है वो नहीं है, उसको उसमें मदद करें, उसको रास्ता दिखाएं जिससे कि उसका लोन हो सके। क्या बैंकों में ये नजर आता है, अभी के बातचीत से सभी लोगों ने गौर किया होगा कि उद्यमी या व्यवसायी का ही फॉल्ट होता है, तो क्या
बैंकों में कोई इस तरीके की कमेटी या कोई एक डेडलाइन बना हुआ है क्या कि हमें इतने दिन के अंदर एप्लीकेशन आने के बाद रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है? ये जो क्वेश्चन आपकी है उसके लिए कमेटी है, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि छोटे लोन के लिए भी उस तरह की कमेटी हो जो हर एक चीज कमेटी के पास जाए, तो वो थोड़ा सा हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मीडियम लोन है या उससे ऊपर के हैं उसके लिए सर्टेनली कमेटी है, विदाउट कमेटी के इंफॉर्मेशन पे कोई लोन रिजेक्ट नहीं हो सकता है हमारे यहाँ से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।